फैमिली और दोस्त लोग आज बहुत दिन का बाद नया आम मिला है, तो स्कूटी से जाना चाहिए था लेकिन क्या करेगा, स्कूटी स्टार्ट नहीं होने की वजह से तो ये अपना सिकिन कॉलोनी से ही पैदल आ गया हूँ। तो देख, ये LC कॉलोनी बचपन में यहाँ से बहुत जाता था हम लोग स्कूल वगैरह हायर में जब पढ़ता था। ये चराई अभी तक भी याद है, जब हम लोग क्लास 10 समय में, ये जो बहुत अच्छा था सीरी ऊपर से लेकर नीचे तक सीरी पूरा एकदम ओके था। अभी इतना पुराना, इतना साल के बाद यहाँ से जा रहे हैं। हो एक भैया इधर कोई देखता है, वो सुबह कॉल करके बोल रहा था कि उसका कोई भी घर का स्विच जो काम नहीं कर रहा है, थोड़ा आके देख लीजिए बोल के बोल रहा था। तो एकदम लोकेशन तो एग्जैक्ट पता नहीं था, फिर भी फ़ोन किया तो अपना दुकान में रुकेगा बोले, शायद वही होता हो भेजिए पहले। तो आइए देखते हैं उसका घर में क्या क्या खराब है। अच्छा, ये स्विच जो है काम नहीं कर रहा है, दो और सॉकेट भी शायद काम नहीं कर रहा है, ये शायद काम कर रहा है, इसमें लाइट जल रहा है। तो इसको अभी खोलना पड़ेगा, हमको खोल के इसका पूरा स्विच बदलना पड़ेगा। तो ये देखते हैं। तो हम हमेशा एंकर का सामान ही बोलता है कि लेके सामान एंकर का ही यूज़ करो, जो अच्छा रहता है, जलता नहीं है। तो हमको यहाँ से पूरा मेन को हटाना पड़ेगा, न्यूट्रल हटाना पड़ेगा जो मैंने पहले कर दिया। तो अभी जो सॉकेट लगा के अभी इसमें पूरा नया से ही चेंज करना पड़ रहा है। तो क्या रहता है कि जो ओल्ड मॉडल वाला जो स्विच वगैरह रहता है वो जो जल्दी ही ख़राब होने का चांसेस है। तो ऊपर में जो घटी मार के रखा है वो जो मेन है, मैंने न्यूट्रल को भी हटा दिया और अभी इसका जो मेन सप्लाई तार है नीचे में जो लगेगा उसको हम नीचे में इस तरह से डालेगा। तो डालने के बाद स्विच लो को इस तरह से डाल लेने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। तो मैं अपना मेन को टाइट कर देता हूँ। टाइट करने के बाद बोर्ड वगैरह बंद कर लूँगा। अब सही लग रहा है। तो ये दूसरा रूम का है जो इसका भी तीनों का तीनों स्विच जो ख़राब हो चुका है इसको भी अभी बदलना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी बदल चुका था क्योंकि इसका जो स्विच वगैरह है वो कंपनी लोकल कंपनी वाला जो क्या रहता है कि 2 या 3 साल ही चलेगा। तो उसको हम हमेशा बोलते हैं कि घर में अगर कुछ भी वायरिंग सामान लगाना हो तो अच्छे कंपनी का ही डालो, क्योंकि ये सब जो लोकल कंपनी डालेगा आपको 1-2 साल ही चलेगा, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। देखो इस तरह से जल रहा है, जो काला काला हो गया। तो अभी हम यहाँ में बदलेगा एंकर का, जितना है पूरा हम आइटम एंकर का लगा देगा। और वो जो जो टेप मारा हुआ है वो जो काला वायर जो है उसमें टेपिंग वाला जो मेन है उसको हम हटा लिया ऑलरेडी। तो न्यूट्रल में कोई इशू नहीं है, न्यूट्रल भी ठीक है। तो इसका सिर्फ यही है कि फैन रेगुलेटर भी ठीक है। तो इसका जितना भी ये है उसको हटा के मैंने पहले ही लगा चुका हूँ। तो अभी जो इसका ये सॉकेट में कनेक्शन देने जा रहा हूँ, वो कनेक्शन देने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी इसको मैं बोर्ड फिटिंग वुटिंग कर लेने के बाद आपको दिखाऊंगा। देखिए कुछ इस तरह से अभी पंखा चल रहा है, दोनों का दोनों चल रहा है। तो लाइट वगैरह अभी ठीक ठाक से चल रहा है। इसका बल्ब ख़राब होने की वजह से पहले हम चेंज कर चुका था। ये दूसरा साइड का देखो कितना खराब है, ये जो लोकल मेड वाला है सिर्फ एक एंकर का लगा हुआ है, वो जो बचा हुआ है अभी तक। तो इसका तक और ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिए। और है जो 2-3 जगह में मेरा काम शायद जो लेके रखा है उसको हम ब्लॉग जब बनाना स्टार्ट करेगा तो शुरू से लेके लास्ट तक क्या क्या काम हुआ है उन सब चीज़ों को मैं बताऊँगा। और जहाँ भी छोटे मोटे काम मिलेगा तो इसी तरह से मैं वीडियो बना के आप लोगों को पहुँचाते रहूँगा। सिर्फ आप लोग ऐसे ही साथ देते रहिए मुझे, और जितना से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप अगर किसी दोस्त के पास भी ये सब शेयर करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे तो एडिटिंग तो करने नहीं जानता है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, धीरे धीरे शायद ठीक भी हो जाएगा। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो से फिर से एडिटिंग करने के लिए कोशिश करूँगा, जितना सका है हमसे कर दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा जो काम मिलता है वो काम को अगर हमसे कोई अगर सीखने मिलता है तो अच्छा बात।